दोस्तों आज मैं देख सकते हैं बोर हो रहा हूँ। कोई ग्राहक नहीं आ रहा है सामान खरीदने के लिए। तो दोस्तों सोच रहा हूँ कि कुछ आज आवाजें निकालूं दोस्तों। तो बस आप सभी से एक गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए और मैं आवाज निकालता हूँ। कमेंट में बताइए कि वो आवाज कैसा रहा। देखिए अगर बॉलीवुड के एक्टर कुछ सामान बेचते थे, सबसे पहले तो आ जाते हैं गुलशन ग्रोवर जी। बैडमैन कन्ना चोस के, अरे देख रहे हो ये है सैंपल। अरे पहले तो 1 रुपया में मिल जाता था, लेकिन अब तो इसका दाम 5 रुपया हो गया है। अरे फिर भी लगा रहे हो, बाल झड़ रहा है कन्ना चोस के। अब देखिए आ जाते हैं सैफ अली खान जी। वाह कमाल करते हो यार, यार देख सकते हो यार कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है यार। फिर भी यार मैं बोर हो गया था तो सोचा यार कुछ कर लें यार। वाह अगर आप लोग वीडियो देखते हो यार तो कम से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। ये देख सकते हो यार एकदम पक गया हूँ, कोई भी सामान नहीं ले रहा यार, किसी तरह पेट पाल रहा हूँ। वाह अब दोस्तों इसी तरह आ जाते हैं नाना पाटेकर जी। देखिए कैसे अच्छा है। आ गए गुटका का तमाशा देखने यार। अरे देखो गुटका ले जाते हैं, खाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। अरे क्या है, गुटका बेचता हूँ मुझे भी शर्म आती है। ये बाल बच्चे से पैसे थोड़ा लेकर आते हैं और चॉकलेट के बहाने गुटका खाते हैं। अरे खाओ लेकिन लिमिट होता है। बहुत अच्छा है। जोनी लीवर जी आ जाते हैं। बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे, बाबा एक का नाम है राजू जो कहते हैं काजू, लेकिन बाबा बाबा ये देखो बाबा ये कैसी मिठाई है बाबा, यही अपने बच्चों को खिलाऊंगा बाबा। बाबा सबको दिखा दो बाबा, और मुझे बहुत मजा आ रहा है बाबा। बाबा कोई तो बच्चा आ जाए बाबा। तो देखिए जोनी लीवर ऐसे हो गए। और अमरीश पुरी साहब जी, अरे भाई मैं हूं अमरीश पुरी भाई, मैं इस दुकान में बैठकर आज से नहीं बरसों से दुकान चला रहा हूं भाई। भाई यहाँ पर सब्जी भी बेचता हूँ, मिर्चा भी बेचता हूँ भाई, हर एक चीज। ये देखो भाई ये है चावल। लेकिन भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, मुकम्बो खुश हुआ। आनंद मोहन की एक आवाज सुनाता हूँ। आनंद मोहन जी बोलते महाराज सुबह से बैठल बानी ए माँ आए दुकान में, आ केहू ना आई लव ए बबुआ। अरे के नी बाले रे ए बुढ़ी, आई लव यू। उनकी बुढ़ी बोले अरे का आया बुढ़ाऊ, एक नाम बुढ़ाऊ थी मैं पगलाई है गई बालका। अरे पगलाई नहीं की जल्लू, अरे सुबह से बैठल बनी चाह लिया वो नटनी, आई लव यू। अब देखिए पवन सिंह जी आ जाते हैं। उनका डायलॉग एक गजब होता है। वो बोलते हैं पवन सिंह जी अगर मुंड में रहते हैं, देखिए कभी लाइव आते हैं तो कैसे बोलते हैं देखिए। बेटा पवन सिंह हूं, माई बाप भगवान गुरु ऑडियंस यही मेरा मालिक है, एक बात सबके है ये समझिला। तो उनकी स्टाइल होती है भैया हो। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए आ जाते हैं रवि जी, रवि किशन जी। नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव। अरे बाबू हो ये देखा तेरा दुकान में तरह तरह के सामान बाबू। और बाबू हम एक ही बात कहब कि बाबू आप लोग दबा के वीडियो के शेयर करी जा और बताई जा कि ये दुकानदार के आवाज कैसा लगल बाबू, ये लड़का के आवाज कैसा लगल, कहे कि बाबू हम हर एक वीडियो में बोली ना कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अब देखिए राजा मुराद जी आ जाते हैं, बुला रहे हैं। आओ आओ रूमा देवी, ये देखो तुम्हारे लिए सैंपल है। अरे ऐसा सैंपल है जो एक बार बाल में लगाओ तो बार और भी बढ़ जाएंगे, खूबसूरत लगेंगे। रूमा देवी मैं तो इसी तरह दीवाना हूँ। अब देखिए आ जाते हैं एक बहुत ही अच्छे अजीत सिंह जी।
वेरी स्मार्ट बॉय मोना डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए हर एक रंग बिरंग का शैम्पू लाया हूँ। और देख सकती हो ये सारे हमारे भाई हमको देख रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले ही इधर दुकान में बैठकर बोर हो रहा था, इसीलिए सोचा कि मैं अपने मोना डार्लिंग के लिए कुछ ला दूं। अब देखिए दोस्तों आ जाते हैं पंकज त्रिपाठी जी, वो बोलते हैं आज। देखिए आज अकेले ही बैठकर आनंद ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बोर हो गया था और देख सकते हैं तरह तरह की सामानें हैं और मैं बेचता हूँ और सोच रहा हूँ कि कोई ग्राहक आ जाए, लेकिन भाई अभी तो कोई भी नहीं आया। लेकिन आप लोग ही मेरे भगवान हैं, आप सभी से एक बात कहूंगा कि आप लोग दबाकर शेयर कीजिए वीडियो को। और दोस्तों मैं सिंगिंग भी करता हूँ, एक सुरेश भास्कर जी का गाना सुना रहा हूँ, तो बताइए कैसा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है और इस दिल में। तो दोस्तों ये गाना रहा, तो दोस्तों इसी तरह सब बहुत से आवाज है। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैं वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ दोस्तों, तो एक बात ये है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा। अब राजकुमार जी देखिए आ जाते हैं, राजकुमार जी यानी आज हम इस दुकान में बैठ के सामान बेच रहे हैं यानी, और हमेशा बेचते हैं। अगर आपको कभी ये जो गुल खरीदना है, सिंपल खरीदना है, और यानी ये देख रहे हो मंजन, इससे दांत साफ हो जाता है। अगर कोई भी सामान खरीदना हो तो हमारे इस दुकान पर चले आओ। यानी इस वीडियो को लोग देखेंगे कहाँ भाई? सिराज आसू बच्चन दोस्तों यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, सिराज आसू बच्चन लिख दिए ऊपर ही आ जाएगा वो जो है। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइए कि मेरा आवाज कैसा रहा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।